और मेरे चटरों कैसे हो आप। चलो आज बनाते हैं पेसर रट्टू। हरी मूंग से आसानी से बनने वाली रेसिपी है। कितने क्रिस्पी और टेस्टी बने आप देख ही सकते हो। इसको नॉर्मल डोसा जैसे घंटों फर्मेंट नहीं करना पड़ता तो आसानी से बन जाएगा। और हम लोग स्पेशल वाला वर्जन भी बनाएंगे जिसको ML पेसर रट्टू बोलते हैं। इसके अंदर मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम उपमा होता है। तो चलो बनाते हैं। मूंग की वैरायटी में मतलब धुली साबुत छिलका में कंफ्यूज हो जाते हैं हम सभी। ऑनलाइन कैसे चुने है ना। अब नहीं दोस्तों, अपना अमेज़न आ गया है हिंदी में। अमेज़न ऐप में भाषा को बदलिए बस ऐसे ही 4 स्टेप में। अपन को चाहिए साबुत मूंग और आप भी ऐसे ही ढूंढिए चुनिए और खरीदिए अपनी भाषा में। और ये रही साबुत मूंग, तो हो गई ना अपनी दुकान अपनी जुबान में। चलो अब पेसर रट्टू के लिए साबुत मूंग को भिगोते हैं। ये 1 कप साबुत मूंग से 8 से 9 पेसर रट्टू बन जाते हैं। तो चलो इसको एक बोल में डालते हैं और पानी के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। वैसे अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है पेसर रट्टू तो इसमें चावल ऐड कर सकते हैं। मैं भी ले रहा हूँ 2 चम्मच। चलो मूंग और चावल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और फिर पानी हटाकर ताज़ा पानी के साथ इसको भिगोना है 4 से 6 घंटे के लिए। अगर 4 घंटे सोक करते हैं तो ये क्रिस्पी बनते हैं। 6 घंटे से अगर ज़्यादा सोक करते हैं तो थोड़े नरम बनते हैं। मैं तो भाई 5 घंटे सोक करता हूँ और एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। जब तक मूंग भीग रही है तब तक चलो फिलिंग बनाते हैं। तो एकदम सिंपल वाली फिलिंग के लिए ये मैं आधी गाजर को कस रहा हूँ। ग्रेटेड गाजर के साथ प्याज को मिक्स करना है और ये जो प्याज है ना पेसर रट्टू के अंदर स्टीम हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ी फ्रेशनेस लाने के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च को मिक्स करेंगे और ये फिलिंग रेडी है सिंपल वाले पेसर रट्टू के लिए। स्पेशल वाला पेसर रट्टू के लिए उपमा बनाएंगे। एकदम सिंपल तड़का रहेगा उसका भी। हींग, कड़ी पत्ता, चना दाल, काजू और सरसों, बस यही सब। तो एक कढ़ाई गरम करते हैं। इसमें मैं तेल डाल रहा हूँ। तेल को गरम करना है लेकिन ज़्यादा गरम भी नहीं करना। गरम करने के बाद सरसों को चटकाना नहीं है, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ज़्यादा गरम नहीं करना। साथ ही में मैंने ये चना दाल डाल दिया, कड़ी पत्ता, हींग और काजू। इन सभी को अब मीडियम हीट पर सेकना है 15 से 20 सेकेंड तक। तब तक सरसों भी डांस करना स्टार्ट कर देगी। काजू भी सिकने लग गया है। अब इसमें रवा डालेंगे। तो ये मैंने 1/2 कप सूजी या रवा लिया है। इसको और तड़के को अच्छी तरह सेकना है 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। सूजी को जलने नहीं देना है दोस्तों, बचा कर रखिएगा। काजू भी ना जल जाए उसका भी ध्यान रखना है। ये हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी 1 कप डाल दिया। अब इसको मिक्स करते हैं। नॉर्मल उपमा के लिए तो हम लोग डबल पानी ही लेते हैं, लेकिन अभी सॉफ्ट उपमा बनाना है ना तो इसमें हम लोग 6 गुना पानी ऐड करेंगे। तो मैं 2 कप और इसमें पानी डाल रहा हूँ। टोटल में 3 कप पानी है और 1/2 कप रवा है। एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ वाला उपमा बनता है ये तरीके से। बस इसमें नमक डालकर मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर एक बॉइल लेकर आना है। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और अब उबाल आने लग गया है तो मैं फ्लेम को थोड़ा लो कर रहा हूँ और ढक्कन लगाकर उपमा को स्टीम करना है 2 से 3 मिनट तक। ये उपमा को हम लोग ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे। मैंने ये 3 मिनट के आसपास ही स्टीम किया। अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल सॉस होती है ना वैसा ही टेक्सचर है। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो गैस बंद कर इसको अब ठंडा होने देते हैं। अपनी मूंग भी डबल हो गई है तो चलो अब बैटर बनाते हैं। ये मैंने मिक्सर लिया है, मिक्सर में डाल देंगे मूंग। बस कम से कम पानी के साथ डालना है। अभी के लिए तो भाई मैंने ना के बराबर पानी डाला है। और ये जो पानी है ना मूंग वाला, इसको अभी बचा के रखेंगे। बैटर को पहले और फ्लेवरफुल बनाते हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1 इंच अदरक, 2 पीस हरी मिर्च है तो तोड़कर डाल दी और साथ में नमक। तो अब ढक्कन लगाकर इसका बैटर बनाते हैं। पेसर रट्टू का बैटर स्मूथ भी नहीं बनाना और दरदरा भी नहीं होना चाहिए। बीच बीच में जो मूंग का पानी था ना वो डाल देंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी बनानी है। बस ये रहा अपना बैटर रेडी है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, जैसे मैंने बोला था ना, पतला है ना गाढ़ा है और दरदरा भी नहीं है। इसको आप एक बोल में निकाल लेते हैं।
बैटर तो भाई अपना रेडी है, इसको बस 5 से 10 मिनट ऐसे रेस्ट करने देना है। जो मूंग पीसी है ना अभी, वो थोड़ा पानी और एब्जॉर्ब करती है, 100% इसका टेक्सचर में फ़र्क आएगा सिर्फ 5 से 10 मिनट में। 10 मिनट बाद आप देखिए बैटर थिक लग रहा है ना, तो अब इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, मीडियम थिक बनाना है हम लोग को। चलो अपना बैटर रेडी है, यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब गैस ऑन करते हैं। ये मैंने तवा टिकाया है, नॉन स्टिक तवा है, तो इसको पहले अच्छी तरह गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये मैं यहाँ पर आधा चम्मच के आसपास तेल डाल रहा हूँ और एक कपड़े से इसको स्प्रेड करना है। ये कपड़ा काफ़ी काम आएगा। तेल तो चलो फैला लिया, अभी इसको अच्छी तरह गर्म करना है। हीट चारों तरफ आ गई है, तो अब पानी डालकर ठंडा करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा है दोस्तों, और यही टेक्निक है जो होटल वगैरह में यूज़ करते हैं, ताकि डोसा या पेसर रट्टू तवे पे चिपक जाए। अगर चिपकेगा नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनता है। पानी मैंने हटा दिया और एक्स्ट्रा पानी को भी कपड़े से पोंछ लेते हैं। अब अपना मूंग का बैटर बीच में डालेंगे एक करछी, और इसको गोल गोल घुमाना है। आँच मीडियम या फिर लो रखेगा दोस्तों। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तवा या फिर हीट ज़्यादा रहेगी तो बैटर भी नहीं चिपकेगा और कलर बहुत जल्दी आ जाता है, मूंग सिकती नहीं है अच्छी तरह। धीरे धीरे करके अपना बैटर सूख गया है, अब इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें प्याज और गाजर की फिलिंग रखनी है, अभी नहीं रखेंगे तो वो स्टीम नहीं होगा अच्छी तरह। अब बस मीडियम फ्लेम पर अपने पेसर रट्टू को गोल्डन होने तक सेकना है। धीरे धीरे अपना पेसर रट्टू भी क्रिस्पी सिकेगा, और आप देख सकते हो कितनी स्टीम आ रही है इसमें से, तो प्याज भी अच्छी तरह स्टीम हो जाते हैं और स्टीम होकर सॉफ्ट और एकदम टेस्टी मीठे लगते हैं। ये अपना प्लेन वाला पेसर रट्टू रेडी है, गोल्डन कलर आ गया है, तो अब इसको रोल करते हैं। अरे वाह, आप देख सकते हो क्या बना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। सर्व करते हैं इसको अल्लम चटनी के साथ। नारियल चटनी सांबर और कोरमा के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। क्रिस्पी आप सुन ही सकते हो कितना है। मज़ा आ गया यार, अब इसका नेक्स्ट लेवल वाला बनाते हैं, MLA पेसर रट्टू। शुरू का प्रोसेस तो सेम ही है, गरम तवा को ठंडा करना है पानी के साथ, फिर इसमें हम लोग बैटर डालकर घुमा लेंगे। बैटर सिकने के बाद उपमा डालेंगे। उपमा का टेक्सचर आप देख सकते हो एकदम सही हो गया है बिल्कुल। इसके साथ में बटर, बटर की क्वांटिटी है 1 चम्मच के बराबर, पूरा टेस्ट ही बदल देता है यार। और प्याज और गाजर, इन सभी के साथ में मैंने थोड़ा सा तेल भी डाला है, ताकि ये अपना पेसर रट्टू सही से सिक जाए। अपना उपमा को अच्छी तरह फैलाएंगे और बटर को भी इधर उधर घुमाना है बीच बीच में, ताकि चारों तरफ उसका फ्लेवर आ जाए। सेम वैसे ही मीडियम फ्लेम पर सेकना है गोल्डन होने तक। सही दिख रहा है यार बिल्कुल। इसको रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो बस हाफ फोल्ड कर सर्व करेंगे। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पेसर रट्टू बना है, गर्मा गर्म स्टीमिंग प्याज और क्रिस्पी काजू वाले उपमा के साथ। आप भी ट्राई करना, MLA वाले के साथ तो आपको चटनी भी नहीं चाहिए। तो रेसिपी तो हो गई, और आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, प्लेन वाला या MLA वाला, कमेंट कर जरूर बताइए। अभी तक Amazon ऐप डाउनलोड नहीं करी तो उसका नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर से डाउनलोड करिए। और ऐप को हिंदी में कैसे बदलना है उसका वीडियो भी शेयर करूँगा। आज की रेसिपी इतनी ही थी, मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।